हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग माउस ट्रैप यानी कि चूहे को किस प्रकार से आसानी से जो है वो पकड़ सकते हैं। तो आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार से चूहों को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक टब लिए हुए हूँ, उसके ऊपर मैंने जाल बिछा दिया है और जाल का छोटा सा कोना मैंने काट लिया है। उसके ऊपर मैंने पानी वाला जो गिलास होता है उसको लगा दिया है। उसको लगाने के बाद उस गिलास का जो नीचे का पेंदा होता है उसको मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा काट दिया है कि जिससे कि कोई भी चूहा इसके अंदर जाए तो फिर दोबारा से बाहर ना निकल पाए। और टब को मैंने एक सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर किसी भी इंसान की आहट ना लगे, क्योंकि दोस्तों यदि इन चूहों को ज़रा सी भी आहट महसूस होती है तो ये चूहे बहुत ही जल्दी से भाग जाते हैं, फिर ये जो है इस टब के अंदर नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल सुनसान जगह पे ये टब रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने चूहे जो है वो छोड़ दिया है। और आप देख ही सकते हैं कि चूहे जो है वो कितनी आसानी से जो है इस टब के अंदर जा रहे हैं। आप दोस्तों कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि चूहे जो घर वाले होते हैं वो सब चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है गेहूँ डाल दिया था, आप लोग जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको दिखाई देगा कि चूहे जो है कुछ इस प्रकार से फंसेंगे जैसे आपके सामने यहाँ पर फंस रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग गेहूँ या चावल जो भी डालिएगा वो टब के आसपास ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो बाहर वाला ही वो खाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो आप लोग 2-4 दाने ही बाहर डालिएगा, बाकी के बचे हुए जो दाने होते हैं वो आप लोग टब के अंदर ही डाल दीजिएगा। वो दोस्तों खाते हुए आएंगे और फिर इसके अंदर जो है चले जाएंगे। जब वो चले जाएंगे तो दोबारा बाहर जो है वो नहीं आ पाएंगे, जिसके बाद जितने चूहे होंगे वो दोस्तों यहाँ पर फंस जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है एक बार करके ट्राई मार के देखिएगा। ये जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों काम की है, बहुत ही कम पैसे में जो है आसानी से ये जो चूहे पकड़ने वाला पिंजरा है वो बन जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके घर में पुराना टब, बाल्टी या कुछ भी है तो आप लोग ले सकते हैं और उसके बाद इस प्रकार से जाल लगा के इसको आसानी से जो है आप कर सकते हैं। आपको बताता चलूं कि इस प्रकार के पिंजरे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बाज़ार में जो पिंजरे मिलते हैं वहाँ पर केवल एक चूहा ही फंस पाता है, उससे ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चूहे जो है बहुत आसानी से फंस जाते हैं और वो जो है बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चूहे जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार का पिंजरा जो है वो बना लीजिएगा। यदि आपके घर में चूहे या चूहिया कुछ भी हैं तो वो दोबारा अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में।